नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रात का वक्त है और सोशल मीडिया पर इतने बजे मैं कभी लाइव नहीं आया हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, या बहुत सारे लोग इंस्टा, फेसग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर चेक कर रहे होंगे कि वहाँ क्या है। मैं अभी एक कार्यक्रम के लिए बाहर आया हुआ था, तो अभी जब कार्यक्रम के बाद आया हूँ तो मुझे पता चला है कि कल माननीय उच्चतम न्यायालय एक दशकों से लंबित, कहूँ कि सदियों से लंबित एक वाद का, एक विवाद का निर्णय करने वाला है। जब हम देश कहते हैं, जब हम भारत कहते हैं, जब हम राष्ट्र कहते हैं, तो उसका मतलब लाल किला, उसका मतलब संसद, उसका मतलब विधानसभा की बिल्डिंग, ये नहीं होता। ये तो होता ही है, लेकिन उसका मतलब होता है कि 1/125 करोड़ भारत में, 1/125 करोड़ भारत आप, हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं उतने हिस्से के भारत का। अगर हम उतने उतने प्रतिशत का अपना भारत ठीक कर लें तो फिर देश भी ठीक हो सकता है, समाज भी ठीक हो सकता है, हम अपने देश के बारे में जो अच्छा सोचते हैं वो हो सकता है। कल कोर्ट निर्णय करेगा। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय का आभार कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, धैर्यपूर्वक, लगन के साथ, इतने समय उन्होंने लगातार सुना है इस निर्णय को और इस केस को। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राम बोलते समय पूरा देश पहले मर्यादा पुरुषोत्तम बोलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि उनके घर में उनसे पहले भी काफी बड़े बड़े लोग हुए थे, काफी महत्वपूर्ण लोग हुए थे, अज, रघु, दिलीप, ययाति, श्वाकु, नहुष, भरत, सगर, प्रथु, उनके पिता दशरथ। फिर वे इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? वे इसलिए महत्वपूर्ण हो गए कि उन्होंने जीवन में कुछ मर्यादाएं तय की, जिनकी वजह से उनकी सामाजिकता जो थी वो महत्वपूर्ण हो गई। सो भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम जो नाम है वो इसीलिए है क्योंकि वो मर्यादा की वजह से जाने जाते हैं। कल उनके जन्म स्थान पर भारत की संसदीय मर्यादाओं के अंतर्गत एक निर्णय आएगा। अगर आप सच्चे राम के मानने वाले हैं, अगर आपने जीवन में कभी भी राम को माना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, वे लोग भी जो अल्लामा इकबाल की आवाज़ में बोलते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद, जो शमसी मीनाई के ज़बान में ये बोलते हैं कि मैं राम पर लिखूँ हिम्मत नहीं है, कुछ तुलसी ने, वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई ख़ास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। तो वे हिंदू, वे मुसलमान, जिन्होंने हज़ारों हज़ारों लाखों सालों से राम को माना है, उनके चरित्र को जाना है। एक छोटी सी लघु कथा राम के जीवन के संदर्भ में, लोकगीतों में ये भी आती है कि जब रावण माता सीता, भारतेश्वरी जगत जननी सीता का अपहरण कर लाया और माँ सीता उसे देखती तक नहीं थी, और वो चाहता था कि एक प्रेमिल निगाह से मुझे देखें, और उन्होंने एक तिनका केवल रख दिया था, तृण धरि ओट कहत वैदेही, आप सबने सुना बाबा तुलसी ने कहा, तो वो सुनते हैं कि अपने अंतःपुर में जाकर रोता था कि इतना प्रयत्न किया, इतना अपयश लिया, और जिसको लाया उसके सौंदर्य के कारण वो मुझे देखती तक नहीं है। तो पंच कन्याओं में पूजित माता मंदोदरी ने अपने पति का रुदन देखकर एक दिन बहुत कष्टपूर्वक कहा कि आप ये कर तो पाप रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मैं मन के हाथों अवश्य हूं, आपकी पत्नी हूं, मुझे आपका रोना देखा नहीं जाता। अगर आपको इतनी ही मन है कि वो आपको प्रेम की दृष्टि से देखें सीता, तो आप तो मायावी हैं, छल से रूप बदल लेते हैं, आप राम का रूप बनाकर जाइए, वो आपको राम समझेंगी और आपको प्रेम से देखेंगी और आपसे प्रेम से बात करेंगी। सुनते हैं कि इस निराकरण की युक्ति को सुनकर रावण और जोर जोर से रोने लगा। मंदोदरी ने पूछा अब क्या हुआ, तो रावण ने रोते हुए कहा कि मंदोदरी मैं ये प्रयास कई बार करके देख चुका हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं जैसे ही राम का रूप धारण करता हूँ मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की हर स्त्री अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री नजर आने लगती है। यानी कि राम वे हैं जिनका स्मरण मात्र, जिनका चरित्र धारण कर लें, हम झूठ भी धारण करें तो हमारे अंदर थोड़ा सा राम का अंश उतरता है। तो कल जो भी निर्णय हो, कोर्ट जो भी कहे, देश की संविधान की मर्यादा के अंतर्गत उसका जो हल निकले, आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, देश पहले ही बहुत समस्याओं में है, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें, वो नहीं चाहती थी कि हम भाईचारे के साथ रहें, ये जिस भी कारण से हुआ,
काश दोनों पक्षों में किसी को ये बात आई होती, हमसे पहली पीढ़ी में ये बात मनाया होता कि क्या झगड़ा है इसका, आइए इसे मिटाते हैं, जैसे भी एक दूसरे के साथ बैठ के समझौता कर लिया होता, वो हो नहीं पाया। अंततः संविधान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था को आगे आना पड़ा। तो आप सब अच्छे मन से उसे स्वीकार करेंगे और ये सोचेंगे कि इस निर्णय में भारत का भला है, उस मिट्टी का भला है जिसमें आप हैं, पहली बात। दूसरी बात, अफवाहें बहुत उड़ेंगी। व्हाट्सएप चलेगा तो उस पर अफवाहें आएंगी, ट्विटर पर अफवाहें आएंगी, अलग तरीके से फला जगह इतने लोग मार दिए, इतने काट दिए गए, ऐसा हुआ, फला धर्म ने ऐसा करा, फला मजहब ने ऐसा करा। दोनों पक्षों की ओर से थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी है, तो पहले माध्यम से कन्फर्म करिए, कहीं और प्रतिक्रिया आप मत करिए, उसके लिए कानून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान ले रखा है, गृहमंत्री भी काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों ने भी अपील की है, दोनों पक्षों के जो वादी हैं उन लोगों ने अपील की है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, वो भी कॉल ले लेंगे। तो आप अतिरिक्त उत्साह में मत आइए, उस पर रिएक्ट मत करिए। आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, इसमें आत्मसंयम ही पूरी दुनिया में हमारा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और देश का भला करेगा। मैं बहुत आस्तिक और सनातनी हिंदू हूँ, मेरी बहुत आस्था अपने धर्म में है, लेकिन मेरी धार्मिक आस्थाएं मुझे दूसरे धर्म की इज्जत करना भी सिखाती हैं। जब कोई कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ या कोई कहता है मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो, क्योंकि मैंने दोनों धर्म ग्रंथों की पुस्तकों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। दोनों धर्म के अवतारों ने या अवतार के रूप में आए हुए ईश्वरों ने हमको यही सिखाया है कि कट्टरता बुरी चीज है। हिंदू मुस्लिम ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। हमारा एक बच्चा है, उसकी लाइन है ये, तो थोड़ा सा आप कट्टरपन अंदर से बाहर लाइए। भारत के संविधान की जो पुस्तिका है उसे अपने धर्म ग्रंथों से ऊपर वरीयता दीजिए, क्योंकि हमने इन सीमाओं को बनाया है। थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा कष्ट होता है, किसी भी धर्म में आपकी आस्था होती है, उसमें पैदा होते हैं, उसमें दिवंगत होते हैं, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन हमारी पहली पहचान भारतीय होने से है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध होने से नहीं है। ये तर्क नहीं चलेगा कि फला तो नहीं मानते, अगर फला नहीं मानते तो इससे मुझे कोई आज़ादी नहीं मिल जाती कि मैं भी ना मानूं, फला ने तो कानून नहीं माना। आप जब ट्रैफिक की लाइट पार करते हैं और आपको पुलिस वाला पकड़ता है, तो आप ये नहीं कहते कि अभी 3 मिनट पहले भी तो एक मोटरसाइकिल वाला गया था, नहीं, ये कानून नहीं चलता। आप ये नहीं कर सकते आप किसी की हत्या कर रहे हो, क्या फला ने भी तो हत्या करी थी, नहीं। हाँ, उनका उनके साथ भारत है, मेरा भारत मेरे साथ है। आप सब जो बहुत प्यार करते हैं इस देश से मेरी तरह, आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि अगले 24, 48, 72 घंटों में ये निर्णय पढ़ा जाएगा। पहले तो इसके छोटे छोटे अंश पढ़े जाएंगे, वो बाहर निकल के आएंगे, उसके बाद फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों का जो पैनल है वो इस पर एक टिप्पणी करेगा, जो इसका जजमेंट कहलाएगा, उसे सर झुकाकर स्वीकार करिए। कुछ अच्छा लगे तो बहुत उत्साह में आके बाहर चिल्लाइए मत, कुछ कचोट जाए कि थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, मेरे हिसाब से मानिए कि यही भविष्य था, यही लिखा होता, इस देश का भला इसमें है। याद रखिए, इस देश के अंदर भी और इस देश के बाहर भी बहुत लोग हैं जो ज़रा पत्थर चलने पर, आग लगने पर, एक दूसरे से लड़ाई हो जाने पर, हत्याएं हो जाने पर उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर उस देश का संविधान, राम के बेटे बेटियाँ चाहे किसी भी धर्म में हो, मिल के एक निर्णय ले रहे हैं, जिन्हें हमने चुना है कि ये हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पैनल है। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कल में मोहब्बत के गीत, इश्क के नगमे, प्यार की कविताएं गाने का अवसर हम और आप मिलकर एक दूसरे को देते रहेंगे। मैं रहूँ या ना रहूँ, यह देश रहना चाहिए। एक बार फिर सदन के अंदर बोले हुए हिंदी के महनीय कवि, मेरे घराने के बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य याद रखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, इस देश को लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो लोकतंत्र ने एक मर्यादा रेखा बनाई है जिसका नाम भारतीय उच्चतम न्यायालय है। उस मर्यादा रेखा के अंतर्गत जो निर्णय हो उसे सर माथे स्वीकार कीजिए। याद करिए, राम ने ऐसे बहुत निर्णय स्वीकार किए थे जो जनता को स्वीकार नहीं थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, जब राम निकले थे पूरी अयोध्या को राजा दशरथ का वो निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन उसमें लोक का मंगल छिपा हुआ था,
उसमें हमारे देश के दस्युओं का विनाश छुपा हुआ था, उसमें सागर पार आतंकवाद की सबसे बड़ी शक्ति का समाहार छुपा हुआ था, उसमें इस पृथ्वी के इस भारत भू पर हमारी भारतेश्वरी माता सीता के चरणों का स्पर्श छिपा हुआ था, उसमें भरत की तपस्या छिपी हुई थी, उसमें हनुमान का खोजना छिपा हुआ था, उसमें दलितों के पिछड़ों के वंचितों के गले लगने के लिए राम का मन छिपा हुआ था, शबरी के बेर छुपे हुए थे, सुग्रीव की प्रतीक्षा छिपी हुई थी, जटायु के आंसू छिपे हुए थे। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अनुकूल न लगे तो ये मान के चलिए कि किसी बड़े हितार्थ ये निर्णय इस देश के भविष्य के लिए अंकित किया गया है। हमारे मुसलमान दोस्तों से भी मेरा अनुरोध है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, हम और आप सदियों से इस मिट्टी में एक साथ रहते हैं, हमारी जड़ें साझी हैं, हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारा बोलचाल खाना पहनना साझी है, इसलिए मजहबी सोच धार्मिक विचार इन दोनों से बाहर आकर मानवीय होना हम दोनों सीखें। जो महर्षि वेदव्यास ने धर्म की व्याख्या दी है जिसमें कहा है कि दूसरे पर आरोपित करना अधर्म है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब ने फरमाया है गीता में, लकुम दी लकुम वली दीन, मैं तेरे लिए मार्ग छोड़ूं तू मेरे लिए मार्ग छोड़, यही दीन है। तो ये दीन वालों, ये धर्म वालों, मजहब वालों, सब मिलकर आज रात ये प्रॉमिस करिए, मुझे नीचे लिखकर बताइए, आपके नीचे फैले हुए दिल, आपके नीचे लगा हुआ तिरंगा, आपके गले मिलते हुए फोटो इस बात को मजबूत करेंगे और इस बात को सब तक फैलाइए, इस वीडियो को भी और अपनी ओर से भी आप भी वीडियो जारी करिए, यही बात बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ, अपनी भाषा में बोलिए, कल तक बोलिए, खूब बोलिए, मान के चलिए कि एक बड़ा निर्णय आ रहा है और उसे स्वीकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपकी रात में इस वक्त नींद में खलल डाला, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वादा करता हूँ कि कभी आपकी नींद को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए एक नगमा एक गज़ल गुनगुना के आपको किसी दिन रात को ऐसे सुनाऊंगा ताकि आज का प्रायश्चित पूरा कर सकूँ। मैं स्वयं भी बहुत थोड़ा सा मन वैसा था तो कार्यक्रम से आते ही मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे लगा पहले आपसे बात करनी चाहिए, आपने विचारपूर्वक धैर्यपूर्वक इसे सुना और मैं आशा करता हूँ जिन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत भी मोहब्बत की है और हम लोगों की बातचीत कभी हुई है, असहमत भी हुए हैं आप मुझसे, होते रहते हैं कई बार, मैं भी आपसे असहमत होता रहता हूँ, वो सब याद रखिए, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, 1000 साल की गुलामी के बाद मिली है, बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, बहुत तपस्या लगी है, बड़े दधीचियों ने अपनी अस्थि दान करी है, बड़े बड़े सुभाष गुमनामी में चले गए, उन्हें पूछ नहीं पाया है कोई, 23-23 साल के सपने फांसी पर झूले हैं, एक जनेऊ एक तहमत बांधने वाले आज़ाद को लोगों ने घेर कर मारा है, बड़ा बड़ा दुख देखा है, 26 साल की एक कुलवधू को अपने पीठ पर बांधे हुए बच्चे के साथ दोनों हाथों से तलवारों से लड़ते हुए देखा है, महारानी चेनम्मा को दक्षिण में अंग्रेजों की तोप के आगे बंधा हुआ देखा है, इस सब के बाद ये दिन आया है, इस आज़ादी पर किसी कीमत पर खतरा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार चेतावनी की भाषा में कह रही है, मैं अनुरोध की भाषा में कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ मोहब्बत की जबान प्यार की भाषा ज़्यादा समझी जाती है, आप सबसे बेहद प्यार है और बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है। नमस्कार, शुभ रात्रि।